हाय एवरीवन, ही लव द 8710 पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक फुल मून रीडिंग लेकर। और यहाँ पर देखने वाले कि जो फुल मून है जो कि 23rd अप्रैल को है, ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, इसके क्या इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ के ऊपर रहने वाले हैं। जैसे कि मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जो फुल मून होता है ना, इस पे एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो या अपनी लाइफ में से कुछ चीज़ों को रिलीज करना चाहते हो, लेट गो करना चाहते हो, ये दिन उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऑल्सो कुछ लोग इस दिन ना या तो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होते हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं, एंजाइटी फील कर रहे होते हैं, डिप्रेशन फील कर रहे होते हैं, लिथार्जिक फील कर रहे होते हैं। तो फुल मून क्या प्रेजेंट करता है, जिस तरीके से आपकी ओवरऑल स्टेट पूरे मंथ जो रही होती है ना, फुल मून एक तरीके से आईना है। इस दिन वही इमोशंस हाई रहेंगे जिस दिन जो कि पूरे मंथ जैसे आपके अंदर रहे थे, राइट? तो यहाँ पर अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो उस एनर्जी को और ज़्यादा एनहेंस करो। ग्रेटिट्यूड जर्नल इस दिन ज़रूर लिखना चाहिए सभी लोगों को। और जैसे मैंने कहा, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेट गो करना चाहते हो, जर्नलिंग ज़रूर करनी चाहिए। और बाकी कोई भी रिचुअल्स हैं, रेमेडीज़ हैं, जो भी आप अपने लिए फॉलो कर रहे हो, ज़रूर कर सकते हो इस दिन। और साथ में अभी देखा जाए तो फुल मून इक्लिप्स किया और फिर सोलार इक्लिप्स गया और अभी ये फुल मून आया है, राइट? तो इस दिन आप अपने क्रिस्टल्स भी एनर्जाइज कर सकते हो, मून वाटर भी प्रिपेयर कर सकते हो, मेडिटेशन इस दिन ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या एनर्जीज रहेंगी। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर विंग्स एंड साथ में है यहाँ पर ये सेलेनाइट की प्लेट विद हम्स चार्म। ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पर थॉर्न्स एंड साथ में है यहाँ पर सेलेनाइट की प्लेट विद ट्री ऑफ लाइफ चार्म। ओके, सो दोनों में से जो भी कार्ड या फिर से जो भी चार्म की एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको अपने लिए चूज कर सकते हो। एंड मैं ये भी बता दूँ कि फुल मून पे ना क्लियर क्वार्ट्ज, सेलेनाइट या फिर मून स्टोन, इनके साथ अगर आप मेडिटेशन करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। एंड सेलेनाइट जो स्टोन है वो रिलीजिंग का स्टोन है, इसलिए मैं फुल मून न्यू मून रीडिंग पे अक्सर इन चार्म्स को रखती हूँ। तो आप आराम से चूज कर लीजिए, टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने विंग्स का कार्ड चूज किया है और साथ में सेलेनाइट की प्लेट विद हम्स चार्म, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो फुल मून है ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। और इस रीडिंग की जो एनर्जीज रहेंगी वो इस फुल मून से लेकर जो नेक्स्ट फुल मून मई मंथ में रहेगा तब तक के लिए रहेगी। इस दौरान हम देखेंगे किस तरीके से चीज़ें आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। और मैं बता दूँ, ये फुल मून बहुत ही स्पेशल है और इंट्रो को ज़रूर सुन लेना, ठीक है? तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए कि कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है ये फुल मून आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, किंग ऑफ वॉन्स, एंथुजियाज्म आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है भाई, एक नई उम्मीद, एक नई सोच यहाँ पर लेकर आ रहा है। कुछ कर दिखाने का ना जुनून आपके अंदर डेवलप होगा, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। ऐसा कि कितना भी काम करवा लो, कितनी भी मेहनत करवा लो, एक एनर्जी पूरे दिन आप अपने अंदर फील करोगे। एक होता है ना कि जब कोई सपना हमारा होता है तो हमारे अंदर वो काम करने की चाह वो अपने आप ही आ जाती है, हम थकते नहीं हैं, हम काम करते रहते हैं, राइट? तो वैसी एनर्जीज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट की कोई एक मंजिल है आप लोगों की, कोई एक मकसद है आप लोगों का, कोई एक पर्पस है आप लोगों का, कोई सपना है आप लोगों का, और जिसे पूरा करने के लिए ना आप अपना 100% दे रहे हो। बहुत ज़्यादा फायर एनर्जीज आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ आता है आप लोगों के लिए। दी वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। सो मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ। जस्टिस, बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, डेथ। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पर आप लोगों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि अगेन एंडिंग्स की एनर्जी है। कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में कम्प्लीटली, और ये एक पॉजिटिव एंडिंग है। लाइक ये वो एंडिंग नहीं है कि जहाँ पर आप रो रहे हो, जहाँ पर आप परेशान हो रहे हो। यहाँ पर कैसा है कि जीवन का एक दौर अभी खत्म हुआ है ना, अभी एक नया दौर जैसे यहाँ पर शुरू हो रहा है। जैसे आपने एक जगह, जैसे सपोज, जैसे कोई इंसान इंटर्नशिप करने जाता है ना, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो उसका 1-2 महीने जो भी कुछ टाइम पीरियड वहाँ पर रहता है, वो सीखता है, वो समझता है, और फिर बारी क्या आती है, वो जो भी सीखा समझा अब उसे अप्लाई करने का एक नए सिरे से, राइट। तो वैसे लाइक चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोग के लिए, यहाँ पर दी वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है। तो ये जो फुल मून है ना आप लोगों के लिए कम्प्लीटली, ये आप लोग के लिए बहुत सारी जैसे आपके अंदर एनर्जी भरेगा, आप प्रोडक्टिव हो जाओगे, आप और ज़्यादा काम करना चाहोगे, बहुत ही बैलेंस के साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कल आपको क्या क्या टास्क पूरे करने हैं आप पहले ही डिसाइड कर लोगे, है ना। आप जॉर्नलिंग कर रहे हो, आप लिख रहे हो अपनी चीज़ों को, आप अपने पूरे दिन को किस हिसाब से आगे बढ़ाना है, आपको कब किस समय क्या काम करना है, किस तरीके की डाइट लेनी है, वर्कआउट करना है, कितने समय काम को देना है, कितने समय आराम को देना है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। साथ में यहाँ पर आप लोगों को इस फुल मून के साथ जो यहाँ पर एनर्जी है, वो ये कि कुछ बड़े डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, कुछ चॉइसेस रहेंगी आप लोगों के सामने, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अभी किस तरफ जाना चाहते हो आपकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा ना, एक ऑफिस में हो, किसी का प्रमोशन हो रहा है, तो अभी कहीं और शिफ्ट करा जा रहा है ना, तो उसके साथ ब्लेसिंग्स भी हैं, अबंडेंस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन साथ के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, साथ के साथ पुरानी चीज़ों को छोड़ने का थोड़ा सा दुख भी हो रहा है ना। तो वैसे यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, लेकिन यस, यहाँ पर जैसे सक्सेस के दरवाजे आप लोग के लिए खुल रहे हैं, आपके सपनों के पूरे होने के दरवाजे यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारा काम आप लोगों के पास रहे, तो लिटिल बिट आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ें पहली बार कर रहे हो, नई नई चीज़ों की यहाँ पर शुरुआत हो रही है, थोड़ा सा मैनेजिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास बहुत काम है, मैं कैसे करूँ, लेकिन बी ग्रेटफुल कि आपके पास काम है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, आराम से पॉज ले लेकर यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि काम करना है, कब काम करना है, कब आराम करना है, ठीक है। इस चीज़ में आप लोगों को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। साथ में यहाँ पे दी वर्ल्ड कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा आपकी रीडिंग में हाईलाइट हो रहा है, और जस्टिस के साथ ये कार्ड आया है, तो मुझे ये विक्ट्री का साइन दिखा रहा है। अगर कुछ लोगों के लीगल इश्यूज चल रहे थे, तो वहाँ पर जैसे उनको जीत मिल रही है, वो केसेस जो भी हैं वो सॉर्ट हो रहे हैं, या फिर से कुछ लोग अपना वीज़ा चाह रहे थे, अपनी पीआर चाह रहे थे, अब्रॉड से अपना कोई भी कनेक्शन, ओवरसीज आप कुछ कुछ भी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में चाहते थे, काम चाहते थे, जॉब चाहते थे, लाइक वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। कुछ काम अटका पड़ा था, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है कोई काम अटका पड़ा था, वो यहाँ पर पूरा हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, और आप लोग के लिए मुझे यही मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट के, अभी एक दौर था लाइफ का, वो खत्म हुआ। जैसे कैसे ना, एक स्टूडेंट लाइफ थी, अभी वो खत्म हुई, और अभी एक अभी काम करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, वो लाइफ एक शुरू। तो वो एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप लोग के लिए बता रही हूँ। ओवरऑल टाइम आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लिटिल बिट चैलेंजेस ऑफ कोर्स रहेंगे। ये सब सोच की एनर्जी क्या बताती है कि एक्शन लेते जाओ, काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है, जो भी न्यू आइडियाज आप लोगों को आ रहे हैं ना, उनको ज़रूर कंसिडर करना है, उनके ऊपर ज़रूर काम करना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है, और देखते हैं यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है ये फुल मून। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि उनकी जो भी कन्फ्यूजन्स थे उनकी लाइफ में, किसी तरीके के इल्यूजन्स थे, वो यहाँ पर एंड हो रहे हैं। इल्यूजन्स का एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे दिखाया जा रहा है, ठीक है। किसी तरीके का भ्रम था, इल्यूजन था, कुछ भी हो सकता है किसी की लाइफ में, कुछ भी है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, वो यहाँ पर एंड हो रहा है, और क्लैरिटी आप लोगों के सामने आ रही है। जैसे यहाँ पर क्या एनर्जी है कि वो सच सामने आ रहा है,
किसी तरीके का। और ये एक पॉजिटिव वे में है, ये नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पॉजिटिव वे में है। पता कैसे मैसेज मिल रहा है, वो दिमाग के तार खुल गए ऐसे बोल देते ना जनरली बातचीत करने में, तो वो लाइक यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए। देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या मैसेज है आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस है। कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसी फीलिंग रह सकती है कि भाई मैंने अभी तक गलत जगह अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे वहाँ नहीं करना चाहिए था। तो देखो याद रखो कि जो होता है किसी ना किसी रीज़न के लिए होता है, तो गिल्ट में शेम में आप लोगों को नहीं रहना है। अब जो है आप लोगों के पास है ना, अब वहाँ पे अपना 100% देना है। ओके चलिए और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। बी मोर क्रिएटिव, ठीक है, जितना क्रिएटिव रह सकते हो, अपने काम को जितना क्रिएटिवली कर सकते हो वो आप लोगों ने करना है। ओके क्रिएटिविटी का मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स अभी हम गुजरे हैं इससे, और यहाँ पर है कि भाई बहुत सारे पावरफुल चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं, और ये पहले से ही हो गया, ये इस न्यू मून इक्लिप्स से हो गई उस बदलाव की शुरुआत आप लोगों की लाइफ में। हाँ ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है, बहुत कुछ होने वाला है ऑप्शन फर्स्ट, और पैसा बहुत आते हुए देख रही हूँ। हालांकि आप लोग कहोगे यहाँ पे पेंटिकल्स की, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है हालांकि, लेकिन यस मैं पैसा आते हुए देख रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज आप लोगों की तरफ आते हुए देख रही हूँ। दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अब चीज़ें जो है वो स्पीड पकड़ रही हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे पूरा दिन निकल गया, काम में कब कब यू नो रात हो गई। तो वैसे यहाँ पर एनर्जीज हैं, लेकिन फिर से वही याद रखना कब काम करना है कब आराम करना है ना, इस चीज में आप लोगों को बैलेंस रखना है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो यस यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीजों को लेके इनसिक्योर फील कर रहे हो, है ना, अपनी फैमिली को लेके आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो, या यू नो कुछ चैलेंज है फैमिली को लेके आपके सामने, इधर किसी पर्सन की तबीयत ठीक नहीं है, या आपके घर में किसी की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हैं, या कुछ भी हो सकता है, कोई चैलेंज हो सकता है फैमिली के किसी पर्सन को लेके आपकी लाइफ में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो आप भी सेफ हो और आपकी फैमिली भी सेफ है, आपके लव वंस भी सेफ हैं, राइट। रिलेशनशिप को लेके भी यहाँ पर हो सकता है कि कोई चैलेंज आप फेस करें, जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है, इनसिक्योरिटीज अपने माइंड में डेवलप नहीं होने देनी है। ओके योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। ओके सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भाई जो भी सपने हैं, और यहाँ पर मैंने सपनों की बात आप लोगों से करी थी, सपने देख रहे हो, नई चीजें प्लान कर रहे हो अपने लॉन्ग टर्म, यू नो जैसे आप डिसाइड कर रहे हो कि अब 2024 जितना भी बचा है मुझे उसमें ये चीज़ें अचीव करनी है ना, अपने टारगेट सेट कर रहे हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ड्रीम्स देख रहे हो, अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और अभी उनको प्रैक्टिकली किस तरीके से आपको अप्लाई करना है आपकी लाइफ में, इस चीज़ की भी आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। ओके और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। एक और चीज़, जैसे मैंने इंट्रो में बोला था कि फुल मून का टाइम जो होता है वो रिलीजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो तीन चीज़ें जो आप इस फुल मून पे अपनी लाइफ में से रिलीज करना चाहते हो ज़रूर लिखना, ठीक है। आई रिलीज माई इनसिक्योरिटीज, ठीक है ना, आई रिलीज माई लेजीनेस, आई रिलीज माई डाउट्स, आई रिलीज दिस पेन, जो भी कुछ है आपको ढूंढना है कि आपको अपनी लाइफ में से क्या रिलीज करने की ज़रूरत है ना। कुछ लोग को एंगर इश्यूज हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, या जेलसी है किसी भी टाइप की, कोई भी इमोशन है जो आपको बार बार ही परेशान करता है, ढूंढो अपने आप में और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप क्या रिलीज करने वाले हो, ठीक है ना। और फुल मून वाले दिन उसके साथ मेडिटेशन करना, ओके ये विजुलाइज करना कि आप उस चीज को अपनी लाइफ में से रिलीज कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, एंड डिवाइन यू नो आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, यूनिवर्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ढेर सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। रेवन प्रिपेयर फॉर चेंज,
बहुत बड़ा बदलाव है। ऑप्शन फर्स्ट, और हो सकता है अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा हो, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा, बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। स्वान डिमॉन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मेजेस्टी। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी यूनिकनेस को नहीं भूलना है, ठीक है ना? मतलब कि आप क्या हो, आपकी क्या क्वालिटीज हैं, अपनी पर्सनालिटी में बेसिकली चार्म ऐड करना है, कॉन्फिडेंस ऐड करना है। ये बातें आपको हो सकता है ऐसा लगे कि मैं आपको फेक बनने को कह रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। आपको अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना है। आप कोई भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अच्छे से मेंटेन होके जाओ, अपनी स्किन को नरिश करो, अपने अपने हेयर स्टाइल को अच्छा करो, अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखो, और ये चीज़ें आपकी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगी। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है, ठीक है ना? अपने बेस्ट वर्जन में आप लोगों को आना है, ठीक है? और देखते हैं यहाँ पर, पता नहीं क्यों यहाँ पर एक मुझे ना ऐसे रॉयल एनर्जी नजर आई, जैसे कोई रॉयल्टी मुझे यहाँ पर नजर आई, कि कुछ एक्सपेंसिव चीज़ है जैसे आप अपने लिए ले रहे हो, रॉयल नेचर यहाँ पर, जैसे अपने प्रिंसिपल हैं, अपने एथिक्स हैं, अपनी कंडीशंस हैं, उनके साथ आप काम करते हो, है ना? वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है, एक कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। ओके, मैं थोड़ा सा शफल करके ही लूंगी। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें तो सिट्रीन अपने लिए ले सकते हो। सी, ये है सिट्रीन, इसे क्रिस्टल ऑफ क्रिएटिविटी भी बोलते हैं, और ये सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा का क्रिस्टल है, तो आप इसे ले सकते हो अपने लिए। बहुत ही अच्छा स्टोन है, अबंडेंस का स्टोन है, मनी का स्टोन है, ठीक है ना? थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। और मैंने कहा मुझे यहाँ पर कुछ रॉयल, मुझे ऐसी चीज़ें फील यहाँ पर आप लोगों के लिए हो रही हैं, पता नहीं यहाँ पर कुछ रॉयल फैमिली से आप बिलोंग करते हो या क्या है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो आपका पोटेंशियल जो है ना वो एंडलेस है। अब यहाँ पे देखो तो जैसे तीन यहाँ पर क्वींस बैठी हैं, और सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी, जैसे कैसे बोलूँ, जैसे कैसे बोलूँ, जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो, अगर आप किसी मंदिर जा रहे हो आप वहाँ पे भी चीज़ों को जानते हो, एट द सेम टाइम आप बहुत मॉडर्न भी हो, आप वो भी सारी चीज़ों को जानते हो, है ना? आप बिजनेस को रिलेटेड भी चीज़ों को जानते हो, आप जॉब के रिलेटेड भी चीज़ों को जानते हो, तो यहाँ पे मल्टी टास्किंग, जैसे आपको अपना रोल जो है वो प्ले करना है, वो मैसेज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, ओके, स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। कुछ लोग के अंदर ना थोड़ी सी हेजिटेशन है यहाँ पर दुनिया के सामने आने की, अपनी अपने आप को प्रेजेंट करने की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। आउट ऑफ द वर्ल्ड मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है, आउट ऑफ द वर्ल्ड पता नहीं, कुछ तो है भाई, बहुत ही कुछ अलग करने वाले हो आप लोग अपनी लाइफ में, कुछ बहुत ही अलग, जैसे आपके पास एक यूनिक इंडिविजुअल आइडिया है, जैसे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी कभी किसी को आइडिया आया था ना, उसने कुछ इन्वेंट, फिर किसी ने कुछ इन्वेंट किया, एग्जैक्टली वैसे ही मुझे नज़र आ रहा है। कोई एक आइडिया है कि हम ऑनलाइन अपने काम को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, मैं जैसे आप अपनी कोई, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, जैसे किसी ने अपनी कोई ऐप लॉन्च करी, उसके पास कोई आइडिया आया, जैसे फेसबुक का आइडिया आया, और अभी देखो वर्ल्ड वाइड वो फेमस है, कुछ ऐसा आप लोग को आइडिया आने वाला है जिसके ऊपर आप लोग काम करोगे। लेकिन यहाँ पर बस कहा जा रहा है कि डरना नहीं है, और अपनी इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पर लेकर नहीं आनी है, ठीक है ना? सिट्रीन जैसे मैंने बताया आप यूज़ कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से यहाँ पर क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, अपॉर्चुनिटी। तो भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, मैंने कहा ना बहुत सारा मनी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं आप लोग, तो वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं। सपने पूरे हो रहे हैं, किसी के सपने पूरे हो रहे हैं, आपको इन एनर्जीज को अपने लिए क्लेम करना है, और चाहो तो नोट्स बना लेना, ऐसे हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में लिखना, एफर्मेशन में लिखना इन सारी चीज़ों को, और आपकी स्क्रिप्टिंग जो टेक्निक रहती है वो साथ के साथ हो जाएगी। टेक एक्शन, तो एक्शन लेने का समय है भाई, एक्शन लीजिए। यहाँ पे भी था योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, तो अभी ड्रीम्स तो सपने तो संजो लिए, लेकिन अब उन पर मेहनत करने की बारी है, अब उन पर एक्शंस लेने की बारी है, तो अपना 100% अभी देना है आप लोगों को,
और अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ वापस आके आप लोगों को ज़रूर शेयर करनी है, और मुझे बहुत खुशी होती है ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप लोग कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। ये रीडिंग बहुत ही अच्छी हुई आप लोगों के लिए। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने थॉर्न्स का कार्ड चूज़ किया और साथ में सेलेनाइट की प्लेट विद ट्री ऑफ लाइफ चार्म, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, एंड इसकी जो एनर्जीज हैं वो इस फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून जो कि मई मंथ में रहेगा तब तक के लिए रहेंगी, एंड देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ आप लोग के लिए होने वाला है। और मैं बता दूँ ये फुल मून का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है, बहुत ही पावरफुल फुल मून है, तो ज़रूर से मैनिफेस्टेशन वगैरह करना और इंट्रो ज़रूर सुन ले अगर नहीं सुना है तो अभी तक आप लोगों ने। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन टू क्या लेकर आ रहा है ये फुल मून आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग बहुत ही अच्छी रही और अभी मैं एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों के लिए क्या आता है। ऑप्शन टू, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। पेज ऑफ कप्स, ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैसेज क्या मिल रहा है कि कुछ लोग ना थोड़े टाइम से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सा हो रहे होंगे या एंगर इश्यूज आ रहे होंगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है कि आप लोगों को फील हो रहा हो कुछ टाइम से, और यू नो इम्पैक्ट भी था सोलर इक्लिप्स का, लूनर इक्लिप्स का, फिर मर्करी रेट्रोग्रेड हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक पीस, एक शांति, एक सुकून, एक लव की एनर्जी वापस से आपकी लाइफ में आ रही है। लिटिल बिट मुझे यहाँ पर पता है मतलब कैसा फील हो रहा है, जैसे किसी पर आपको क्रश हो रहा है, कोई पर्सन आपको पसंद आ रहा है, आप किसी से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हो, इवन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो भी ना, तो आप एक दूसरे को जैसे सरप्राइजेस दे रहे हो, आप एक दूसरे को कुछ गिफ्ट्स दे रहे हो, एक दूसरे को खुश करना बेसिकली अलग अलग तरीकों से, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और साथ के साथ अब आपका ऐसा है कि चलो अब एक ज़िंदगी को ना एक नए सिरे से जीते हैं, और परेशानी प्रॉब्लम्स ये तो हमेशा चलती ही रहती हैं, हम अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, तो वैसे लाइक यहाँ पर मैं चीज़ देख रही हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों को जैसे सेलिब्रेट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, है ना, हर मोमेंट में अपनी खुशियाँ ढूंढना चाह रहे हो, तो कुछ ऐसा यहाँ पर आप लोगों के साथ रहने वाला है। देखते हैं यहाँ पर और क्या कुछ आता है। टू ऑफ सॉट्स, ऑप्शन टू, टेन ऑफ कप्स, फैमिली हैप्पीनेस, है ना, मैंने कहा ना कि प्यार बढ़ रहा है आप लोगों की लाइफ में, है ना, आपके अंदर प्यार बढ़ रहा है और आप उस प्यार को ना दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, आपके लव वंस के साथ आप शेयर कर रहे हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। निकाल लेती हूँ मैं सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। द एम्परर, पेज ऑफ सॉट्स, एज ऑफ सॉट्स एंड द सन। कंफ्यूजन्स का एंड हो रहा है और क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। देखो कुछ लोगों की लाइफ में ना यहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन होगी, जैसे बॉस से बहुत परेशान हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है आप लोगों की लाइफ में कि ना तो आप उसको छोड़कर जा सकते हो, आप उसको ना ही एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की लाइफ में, लेकिन अब उस सिचुएशन से आपको डील किस तरीके से करना है, हैंडल किस तरीके से करना है, कहीं ना कहीं ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऊपर से यहाँ पर जैसे आप अपनी ज़िंदगी को मायने दे रहे हो, जैसे मैंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हो, खुश हो रहे हो, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, हैप्पीनेस को शेयर कर रहे हो, लव को शेयर कर रहे हो, ये चीज़ मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं देख रही हूँ। आपका बहुत ज़्यादा फोकस ऐसा रहेगा कि मैं भी खुश रहूं और मेरे आसपास जो भी लोग हैं वो सब खुश रहें, सब हैप्पी रहे, सबके साथ अच्छा हो, हेल्पिंग नेचर आपका बहुत रहेगा, आप दूसरों की हेल्प करोगे, आप दूसरों की मदद करोगे। तो फिलहाल इस 1 महीने की एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसके साथ में आपको कैसा हिट होगा, जैसे कि सपोज मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ अगेन, जैसे कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन वुमैन जो भी है,
और आप उनसे बहुत इंस्पायर हो रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई हम भी तो ऐसे कर सकते हैं, इन्होंने भी तो जीरो से शुरू करा था और फिर ये देखो कहाँ पहुंच गए, राइट? तो यहाँ पर कैसा रहने वाला है कि किसी से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप किसी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हो और किसी नए फील्ड में आप लोग नॉलेज यू नो गेन करना शुरू कर रहे हो, पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, लिटिल बिट उसके बारे में जानना शुरू कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा शेयर मार्केट वाला जो रहता है कुछ कुछ वो फील हो रहा है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस के कुछ टिप्स हो गए, कुछ आइडियाज़ हो गए वैसे मुझे फील हो रहा है। स्टडी कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में ना, जानने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, वो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग के लिए देख रही हूँ। सी ऑप्शन टू यहाँ पर कैसा है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, मुश्किल रही है, बहुत टाइम आप परेशान रहे हो, दुखी रहे हो, एक नेगेटिव फेज में रहे, अब नेगेटिव इमोशंस में रहे, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है ना कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप लोगों का धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और पॉजिटिविटी आपके अंदर भर रही है, ठीक है ना, शांति आपके अंदर कहीं ना कहीं आ रही है। अब जो सिचुएशन जैसी है आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उनको हील कर रहे हो, है ना, यहाँ पर नजरिया बदल रहा है आप लोगों का, ये चीज कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आ रही है। देखते हैं यहाँ पर और भी क्या कार्ड्स हैं ऑप्शन टू आप लोगों के लिए और क्या कुछ लेकर आ रहा है ये फुल मून ऑप्शन टू के लिए। अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, ये मैसेज है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर कही जा रही है ऑप्शन टू की, फिलहाल टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि थोड़ा बहुत ना मन डोलेगा, मन डोलेगा मतलब कभी एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम पॉजिटिव हो जाओगे, अब तो मैं ये कर लूँगी, अब तो मैं वो कर लूँगा, एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, एंथुजियाज्म आ जाएगा, अगले ही दिन लो फील करोगे, अरे कुछ नहीं है लाइफ में। देखो ये मैं आपको सिचुएशंस बता रही हूँ कि ऐसे रहेगा, तो इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस की अभी कमी है लाइफ में, तो कोई बड़ा डिसीजन मत लेना, जब एक बैलेंस स्टेट में चले जाओ उसके बाद अपनी लाइफ के कोई भी मेजर डिसीजंस आप लोग लेना, ठीक है। चलिए अभी और देखते हैं ऑप्शन टू, कभी लगेगा ये फील बहुत अच्छा है, कभी लगेगा नहीं ये फील बहुत अच्छा है ना, तो इस तरीके से चीजें रहेंगी। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, है ना, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, उनके बारे में जानो, सीखो, समझो, और कोई अभी मेजर डिसीजन लेने को ना थोड़ा अवॉइड करना, ओके। हालांकि सन की भी एनर्जी है तो धीरे धीरे क्लैरिटी लाइफ में आ रही है, तो जब तक एक स्टेबल इमोशन वाली स्टेट में नहीं आ जाओ ना तब तक डिसीजन मत लेना, ओके। ये चीज़ यहाँ पर है और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन टू और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है क्या कुछ और, ये फुल मून आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है ऑप्शन टू। ओके, इसे कार्ड गिरा है, जंप करी है, ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। देखो ये कार्ड कह रहा है कि जो भी मेहनत करोगे ना इस मंथ आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली आप लोगों के लिए आया है कि मेहनत करो, कर्म करो, अपना काम करो, यू आर गुड इनफ। मैं अभी इस कार्ड को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी, सरेंडर टू द डिवाइन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। फिलहाल की एनर्जीज ऐसी हैं कि कुछ लोग ना इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही हैं लोगों के मन में, है ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है देखो आप सेफ हो, आपके लव वन सेफ हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहना है और कोई भी नेगेटिव थॉट जब भी आप लोगों के मन में आए ना उसके बदले 10 पॉजिटिव थॉट्स की बौछार कर देना, ठीक है। ये एक तरीका है भाई नेगेटिविटी से डील करने का, है ना, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखो, पॉजिटिव चीज़ों को सुनो, अच्छी किताबों को पढ़ो, यही तरीका है नेगेटिविटी से डील करने का, अपने माइंडसेट को चेंज करने का, है ना, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, सरेंडर टू द डिवाइन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाइफ में देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारा वश नहीं होता है ना, हम दूसरों के एक्शंस को, दूसरों के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी फीलिंग्स को किसी से कन्फेस कर रहे हो लेकिन अब उसका उसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये तो आपके हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो आपको सही लगता है यू नो अपना कर्म करो और रेस्ट जो भी चीजें हैं ना ईश्वर के ऊपर छोड़ दो और उनकी मर्जी समझ के उन चीजों को एक्सेप्ट कर लो, सरेंडर कर दो अपनी कंसर्न्स, अपनी परेशानी, जो भी कुछ है यहाँ पर, ओके।
यू आर गुड इनफ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे लुक्स अच्छे नहीं हैं। या यहाँ पर कहा जा रहा है, भाई आप बहुत अच्छे हो, आप जैसे भी हो आप बहुत ही अमेजिंग हो, है ना। खुद को एक्सेप्ट करो और खुद से प्यार करो, ठीक है ना। और अपने आप से नेगेटिव, यू नो, नेगेटिव बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको डेली खुद को 10-20 एफर्मेशन दे देनी है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत ही यूनिक हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत ही लकी हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अभी विन विन आउटकम, यहाँ पर जो मैसेज आप लोगों के लिए आया है ऑप्शन 2, किसी चीज में तो जीत मिलेगी भाई, कहीं जैसे आपका लक काम कर रहा है किसी चीज में। अब देखो जनरल रीडिंग है तो ऐसा मत करना, कि समझदारी से डिसीजन लेना है आप लोगों को, है ना। जीत ऑफ कोर्स मिलेगी, लेकिन पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको किसी भी काम को करना है। जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वॉन्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है ना। लिटिल बिट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कि अभी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, अभी और ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो मेहनत करोगे आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, टर्टल बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग। और एग्जैक्टली यही है कि अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ के हर फेज को इंजॉय कर रहे हो। कभी कोई ट्रिप पे चले जा रहे हो, कहीं घूमने चले जा रहे हो, कोई पिकनिक पे चले जा रहे हो, कोई पार्टी पे चले जा रहे हो, ऐसे लाइक यहाँ पर एनर्जी है। अपने आप को समय दे रहे हो, यू नो, आपको ऐसा लग रहा है कि जो जिंदगी मुझे मिली है ना, मुझे मुझे अपने आप को फील करना है, मुझे अपने होने को फील करना है, मुझे खुशी को फील करना है। तो ये चीज़ है, कुछ लोगों की बड़ी एडवेंचरस एनर्जी, कुछ एडवेंचर कर रहे हो, पता नहीं। मुझे कुछ लोग ऐसे स्विमिंग करते हुए नजर आए, कुछ लोग स्विमिंग सीख रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं क्या, लेकिन यस कुछ कुछ तो यहाँ पर ऐसा है। या आप जा रहे हो ऐसे बीच वगैरह पे, या रिवर्स वगैरह साइड, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेडी बर्ड एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्च्यून। तो भाई लक आपके फेवर में है, यहाँ पे विन विन आउटकम का भी कार्ड था और यहाँ पे लक आपके फेवर में भी है। एक्सेप्ट हैप्पीनेस, तो भाई खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी आ रही हैं। ऑप्शन 2, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो। और यहाँ पर अभी कैसा है ना, कि जैसे मैंने कहा कि एक नेगेटिव थिंकिंग, एक नेगेटिव माइंडसेट से अभी एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 2। यूनिवर्स वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। होलनेस की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप लोग शिफ्ट हो रहे हो, कि भाई हम सब लोग, यू नो, कहीं ना कहीं एक ही एनर्जी का हिस्सा हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं कॉड से जुड़े हुए हैं। आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो और दूसरे लोगों को अपने तरीके से ट्रीट कर रहे हो, अपने लोगों अपनी तरह से ट्रीट कर रहे हो। मतलब जैसे कैसे ना, जैसे होता है ना कि सपोज आपको किसी से कोई बात कहनी है, तो आप पहले ये सोचोगे कि अगर कोई मुझसे ये बात कहेगा तो मुझे कैसा फील होगा, राइट। बड़े नपे तुले वर्ड्स बोलने वाले हो किसी को, राइट। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, वननेस की एनर्जी है, होलनेस की एनर्जी है, यूनिवर्स से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हो, और बहुत सारी प्रेयर्स यहाँ पर चल रही हैं, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए चल रहे हैं, आप लोगों के चल रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ऑप्शन 2, आप लोग पॉजिटिव होते जा रहे हो। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। तो यहाँ पर मैसेज आप लोग के लिए ये है, ऑप्शन 2, प्रेजेंट में रहना है अपने। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कभी कभी कैसी हो जाती है, ख्याली पुलाव वाली भी थोड़ी सी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रेजेंट की एनर्जी इसमें रहना है, एक्शन मोड में रहना है। ऐसा नहीं कि केवल बस सपने संजोने हैं, बुनना है, नहीं, उन पर एक्शंस भी लेने हैं, प्रैक्टिकली काम भी करना है। और मेरी इस बात को लिख लेना कहीं, कि अभी मुझे अपनी और ज्यादा नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है,
ठीक है, अभी और ज़्यादा एक्सपीरियंस कलेक्ट करने की ज़रूरत है आपका जो भी फील्ड है उसमें। और अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि बस एक्सपीरियंस कलेक्ट करते रहो, काम नहीं करो, काम भी करो साथ के साथ, लेकिन अभी और ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिएगा। ठीक है, अभी चलिए यहाँ पर लास्ट देख लेते हैं, एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन टू, आस्क योर एंजल्स। ठीक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन जो आप लोग के लिए कार्ड है, आस्क योर एंजल्स। तो देखो यहाँ पर अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो अपनी लाइफ में, एंजल से परमिशन लो। अभी एंजल देखो आपकी लाइफ में आपके गुरु भी हो सकते हैं, या कोई एंजल लाइक पर्सन है, जैसे आपके कोई बड़ी बहन, बड़े भाई, या पेरेंट्स, या कोई भी आपका पार्टनर, जैसे एक डोरेमोन टाइप कोई पर्सन होता है ना हमारी लाइफ में, कि कोई प्रॉब्लम है जाओ उसे शेयर करो और हमें सोल्यूशन मिल जाता है, राइट? तो वैसी चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि एक बार कुछ भी डिसीजन लेने के पहले आपने डिस्कस ज़रूर करना है जो भी लोग आपके वेल विशर हैं, क्या एंजल लाइक पर्सन है आपकी लाइफ में, उनसे। और अगर ऐसा नहीं है तो एंजल से, या फिर डिवाइन के जिस भी रूप को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, सबसे ज़्यादा उनसे कनेक्टेड हो, उनके सामने बैठो, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करो और उनसे बोलो कि आप मेरा मार्गदर्शन करें, आप मुझे अभी रास्ता दिखाएं कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को मुझे करना चाहिए, किन चीज़ों को मुझे अवॉइड करना चाहिए। और फिर हो सकता है आपको ऐसे कोई रीडिंग मिल जाए या कोई भी साइन आपको मिल जाए किसी भी थ्रू, वो आपको आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो सिचुएशन यहाँ पे धीरे धीरे आपकी लाइफ में इम्प्रूव हो रही है, बेटरमेंट यहाँ पर मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ, खुशियाँ आते हुए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, पॉजिटिविटी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए आते हुए देख रही हूँ। बहुत ही जैसे अनसॉल्व कुछ मिस्ट्रीज थी आप लोगों की लाइफ में, समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों हुआ था पास्ट में, क्या रीजन था, आपको आंसर्स मिल रहे हैं बहुत सारी चीजों के। ओके, सो ऑप्शन टू ये है, बहुत ही अलग सी, बहुत ही यूनिक सी रीडिंग आप लोगों के लिए, एंड आई होप कि आपको डेफिनेटली इससे हेल्प मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है, कौन सी पता आपको सबसे अच्छी लगी, आपके दिल को छू गई, और साथ में यस, क्योंकि फुल मून है और रिलीज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहता है, सो जो भी कुछ आप रिलीज़ करना चाहते हो अपनी लाइफ में से उसको लिख लो। जैसे नीचे कॉमेंट बॉक्स में आपको तीन एफर्मेशंस लिखनी है, आई रिलीज माई इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, आई रिलीज माई नेगेटिविटी, या कुछ भी एक्स वाई जेड, जो भी आपको लगता है कि आपको रिलीज करने की ज़रूरत है अपने आप में से, अपनी लाइफ में से, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, और फुल मून वाले दिन उसके साथ मेडिटेशन ज़रूर करना। ठीक है, सो ऑप्शन टू ये है आप लोग की रेटिंग, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल परचेज करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।